Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of Python programming and today is day 9. आज हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे. First, we will learn about built-in functions. और फिर हम लोग पढ़ेंगे about built-in modules. इस वीडियो में पहले हम लोग कवर करने जा रहे हैं built-in functions को. So built-in functions क्या होते हैं? So functions, I guess आपको already पता होगा. Functions is a block of code जिसका सिर्फ एक purpose होता है. अगर आप उसको कुछ input दो तो वो आपको कुछ आउटपुट देता है, ठीक है. जैसे कि प्रिंट फंक्शन, अगर हम उसे कुछ भी इनपुट देते हैं वो उसको एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है, ठीक है. तो आज हम लोग देखने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पाइथन के फंक्शंस जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, ठीक है. ऑल तो बहुत सारे फंक्शंस है, वो हम सारे के सारे कवर नहीं करेंगे. हम सिर्फ वो कवर करेंगे जो बहुत ज्यादा यूजफुल है और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So in total I'm going to cover 15 different built-in functions. इनमें से कुछ functions आपने पहले से देख रखे हैं, but revision के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ. सबसे पहला और सबसे ज्यादा use होने वाला built-in function is no doubt the print function, जिसको use करने के लिए आप print keyword लिखते हो, brackets open करते हो और अंदर आप जो भी pass करते हो वो एज इट इज आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है, ठीक है. इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर पूरा वीडियो किया था, तो यहाँ पे हम और ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, ठीक है. नेक्स्ट वन इज इनपुट. कभी भी अगर आपको अपने यूजर से इनपुट लेना है तो आप इनपुट फंक्शन यूज करते हो, इनपुट, और यहाँ पे आप बोलते हो एंटर योर नेम और स्क्रीन पे अब आपके यूजर को दिख रहा है कि उसको नेम टाइप करना है और वो जैसे ही नेम टाइप करके एंटर मारेगा जो भी उसने टाइप किया होगा वो आपको एज अ प्रोग्रामर मिल जाता है. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि इनपुट फंक्शन का आउटपुट जो प्रोग्रामर को मिलता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है. सो अगर आपको कुछ और फॉर्मेट में उसको चाहिए चेंज करना है तो आपको टाइप कन्वर्जन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट हमने एक और फंक्शन देखा था टाइप फंक्शन, जिसका काम होता है एक वेरिएबल के अंदर जो डेटा टाइप है वो प्रिडिक्ट करना, डिटेक्ट करना, ठीक है. सो अगर मैंने लिख रखा है a इज इक्वल टू 3 और अगर मैं टाइप ऑफ a लिखूं तो दिस इज गिविंग मी इंटीजर, क्योंकि a के अंदर जो डेटा टाइप है दैट इज इंटीजर. अगर मैं यहाँ पे 3.5 लिख करके कोड को दोबारा रन करूं तो यू कैन सी नाउ दिस इज फ्लोट. अगर मैं यहाँ पे true लिख दू नाउ इट इज बूलियन, ठीक है. तो ये भी फंक्शन हमने पहले पढ़ रखा था. नेक्स्ट होते हैं टाइप कन्वर्जन फंक्शंस, अगेन कुछ ऐसा जो हमने पढ़ रखा है. सो अगर मैं इंटीजर को स्ट्रिंग ऑफ 5 दूं तो वो मुझे इंटीजर 5 रिटर्न करेगा. अगर मैं फ्लोट दूं तो भी वो मुझे इंटीजर रिटर्न करेगा. सिमिलरली और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं यहाँ पे, लाइक हर वेरिएबल के लिए, हर डेटा टाइप के लिए एक फंक्शन है. फ्लोट है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, ट्यूपल है, ठीक है. तो इस तरीके से बहुत सारे और टाइप कन्वर्जन के फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है. तो यहां तक तो वो फंक्शंस हो गए जो हमने अभी तक पढ़ रखे हैं. अब मैं आपको कुछ नए फंक्शंस दिखाता हूँ, ठीक है. सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आप कई बार यूज करोगे, स्पेशली अगर आप मशीन लर्निंग वगैरह के डोमेन में काम कर रहे हो, दैट इज द एब्सोल्यूट फंक्शन. एब्सोल्यूट फंक्शन इज जस्ट द मॉड्यूलस. आप किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंट कर सकते हो. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. अगर आप abs ऑफ 4 प्रिंट करो तो 4 ही आएगा, और अगर आप -4 करो तो भी 4 आएगा, ठीक है. तो इट इज बेसिकली द मॉड्यूलस फंक्शन. कई सिनेरियोस में यूजफुल है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज द पावर फंक्शन. सो पावर फंक्शन में अगर आप दो चीजें पास करो लाइक 2, 3 तो इट एक्चुअली मीन्स 2 to the power 3 और आपका आंसर विल बी 8. अगर आप यहाँ पे -3 रख दो तो इट इज 2 to the power -3 या फिर 2 to the power या फिर हो जाएगा 1/8 या आंसर होगा 0.125, ठीक है. तो अगेन अ वेरी सिंपल फंक्शन जो आप कुछ सिनेरियोस में यूज कर सकते हो. दीज आर ऑब्वियसली मैथमेटिकल फंक्शंस. नेक्स्ट इज मिनमैक्स, ठीक है. सो मिनमैक्स में आपको क्या करना होता है, आपको एक आइटरेबल पास करना होता है. सो आइटरेबल किसको बोलते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट्स, इनको आइटरेबल बोला जाता है. आइटरेबल्स के बारे में हम लोग फ्यूचर में एक पूरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे, बट इस पॉइंट पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं. सो लेट्स से यहां पे लिखा हुआ है ये और मुझे इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये निकाल के दे देगा, ठीक है. अगर आप यहां पे मैक्स कर दो तो वो आपको 3 निकाल के दे देगा, ठीक है. द गुड पार्ट इज ये सेम चीज स्ट्रिंग्स के ऊपर भी काम करेगी. लेट्स से कोलकाता लिखा हुआ है, द आंसर विल बी टी. कैसे,
ASCII वैल्यू के बेसिस पे, T का ASCII वैल्यू सबसे ज्यादा है इसलिए वो मैक्सिमम है, और अगर आपको मिन निकालना है तो A आएगा क्योंकि सबसे कम वैल्यू जो है वो A का है, ठीक है। ASCII वैल्यू का कॉन्सेप्ट टाइप गैस आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट इज राउंड। सो कई बार ऐसा होगा कि आपको स्क्रीन पे डेसिमल वैल्यूज प्रिंट करनी होंगी, बट जब आप डेसिमल वैल्यूज को प्रिंट करते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, C इज इक्वल टू 22/3, लेट्स से 22/7, और अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ C को, तो यू कैन सी यू आर गोइंग टू गेट अ बिग वैल्यू जिसमें बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस होंगे। अगर आपको इसको रिड्यूस करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो राउंड C, लेट्स से मुझे सिर्फ दो डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो आई वुड राइट कॉमा 2 एंड नाउ आई विल गेट दिस। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो ये आ जाएगा, अगर मैं कुछ भी ना लिखूं तो वो राउंड हो जाएगा नियरेस्ट इंटीजर की तरफ, ठीक है। राउंड फंक्शन, अगेन समथिंग जो आपने बहुत पहले बचपन में मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिव मॉड। डिव मॉड आपको दो चीजें देता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिटर्न्स द टपल जो इन दो एक्सप्रेशन से आपको मिलता है। पहले आप दो नंबर जैसे ही दो, लेट्स से आपने दिया 5, 2, ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिटर्न होगा एक्स इंटीजर डिविजन वाई, सो मतलब 5 इंटीजर डिविजन 2, मतलब आपको मिलेगा 2, और फिर आपको मिलेगा x मॉडुलस y, सो यू वुड गेट 1, ठीक है। सो अगर आप इसको रन करो तो आपको एक टपल के अंदर 2 और 1 मिल रहा है, ठीक है। सो पहला इंटीजर डिवीजन का रिजल्ट, दूसरा मॉडुलस का रिजल्ट, सिंपल है, ठीक है। आई गेस ये भी आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज अ सेट ऑफ फंक्शंस कॉल्ड बिन, ऑक्ट एंड हेक्स। नाम से समझ में आ रहा है, अगर आपको किसी भी चीज का बाइनरी वैल्यू चाहिए या फिर ऑक्टल वैल्यू चाहिए या फिर हेक्साडेसिमल वैल्यूज चाहिए, आपके पास ये फंक्शंस हैं। जैसे कि अगर आप बिन के अंदर डाल दो 4 तो यू आर गोइंग टू गेट दिस 100, ठीक है। 100 इज द बाइनरी कोड फॉर 4। अगर मैं यहाँ पे इसके बदले लिख दूं ऑक्ट, नाउ दिस इज द ऑक्टल वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हेक, तो दिस इज द हेक्सल वैल्यू, ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है। सो अगेन कभी कभी ये चीजें काम आ जाती हैं। नेक्स्ट इज अ वेरी स्पेशल फंक्शन जो आपको मैं बहुत डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, बट इस पॉइंट पे बस ऐसे समझ लो कि आईडी फंक्शन क्या होता है, कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल है और उसके अंदर आपने कुछ स्टोर कर रखा है, तो मेमोरी में इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, अगर आपको ये पता करना है तो उसके लिए आईडी फंक्शन होता है। सो अगर मैं आईडी ऑफ ए लिखूं, तो यू कैन सी दिस इज द एड्रेस इन माई कंप्यूटर। ये सेम कोड जब आप अपने कंप्यूटर पर रन करोगे आपको कुछ और दिखाई देगा, बिकॉज आपके कंप्यूटर पे कुछ और मेमोरी एड्रेस एलोकेट हुआ था ए के लिए, ठीक है। तो अगेन इट्स अ वेरी स्पेशल फंक्शन, वेरी यूजफुल फंक्शन आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। इसके ऊपर हम लोग एक पूरे वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, सो अभी मैंने बस आपको दिखा दिया, इसके बेसिक डिटेल्स हम लोग आगे कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ओआरडी फंक्शन। सो ओआरडी फंक्शन क्या होता है, ORD फंक्शन अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओ तो ये बोलता है returns the Unicode code point for a one character string। So, मैं इसको कैसे यूज करता हूं मैं आपको सिंपली बताता हूं। मुझे अगर कभी किसी भी कैरेक्टर का ASCII कोड चाहिए तो आई यूज दिस फंक्शन, आई शो यू। लेट्स से मुझे सी का चाहिए तो इट इज 99, अगर मुझे कैपिटल सी का चाहिए इट इज 67, अगर मुझे कैपिटल ए का चाहिए इट इज 65, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी ASCII वैल्यूज चाहिए, कुछ सर्टेन प्रोग्राम्स ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको ASCII वैल्यू की जरूरत हो, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये भी सिंपल है। नेक्स्ट इज लेंथ। लेंथ क्या करता है, आपके पास अगर कोई भी आइटरेबल है, स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट्स, डिक्शनरीज, ये उसका लेंथ बताता है, ठीक है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, लेट्स से मुझे पता करना है लेंथ ऑफ कोलकाता, तो इट इज 7। अगर मेरे पास एक लिस्ट है 1, 2, 3, देन द लेंथ इज 3, ठीक है। बहुत सिंपल है, आइटरेबल का लेंथ निकाल के आपको दे देता है। इसको भी हम फ्यूचर में बहुत यूज करेंगे, ठीक है, इट्स अ वेरी यूजफुल फंक्शन। नेक्स्ट इज सम। सम क्या करता है, आपको एक बार ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन रीड करके दिखाता हूं। रिटर्न्स द सम ऑफ अ स्टार्ट वैल्यू प्लस एन आइटरेबल ऑफ नंबर्स। इट्स बेसिकली कि अगर आपके पास एक लिस्ट है लाइक दिस, ये आपको सम निकाल करके बता देगा, या फिर आपके पास एक टपल है, आइटरेबल अगर आपके पास है तो ये उसके ऊपर सम परफॉर्म कर देगा। ऑब्वियसली अजम्पशन इज अंदर के सारे आइटम्स न्यूमेरिकल है, ठीक है। सो या दिस इज द 14th फंक्शन। द लास्ट वन इज द हेल्प फंक्शन। हेल्प फंक्शन बहुत काम का है, अगर आपको कभी भी किसी भी फंक्शन से रिलेटेड डाउट हो और आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, उस फंक्शन का नाम यहाँ पे पास कर सकते हो
और आपको यहाँ पे उसका सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। ऊपर कोई भी फंक्शन जो आपने पढ़ा, अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा, आप हेल्प फंक्शन में सीक कर सकते हो हेल्प। ठीक है, तो हेल्प फंक्शन के और भी कुछ कुछ काम है, हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे, बट या दीज आर सम ऑफ द मोस्ट यूज्ड फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस इन पाइथन। ठीक है, अगर आपको ये आ गया तो 90% टाइम्स आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और बाकी जो फंक्शंस बचे हुए हैं वो मैंने जानबूझ के अभी नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि वो कहीं और पढ़ाना ज्यादा लॉजिकल है आगे। ठीक है, तो या दैट्स इट, बिल्ट इन फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस बिल्ट इन मॉड्यूल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।